नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम नीतीश कुमार का बड़ा झूठ पकड़ लिया है। अमित शाह ने कहा है कि सीएम नीतीश कुमार तो बहुत झूठ बोलते हैं। आपको बताएं कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह के इस्तीफे के बाद बिहार की राजनीति में खलबली सी आ गई है। इधर आरसीपी सिंह का जेडीयू से इस्तीफा हुआ और इधर सीएम नीतीश कुमार ने बीजेपी से रिश्ता तोड़ दिया। बिहार में एनडीए की सरकार गिर गई और महागठबंधन की नई सरकार बन गई। यानी कि बहुत कुछ फेर बदल पिछले कुछ दिनों में बिहार की राजनीति से देखने को मिला है। लेकिन इस बीच आपको बताएं कि अब सीएम नीतीश कुमार का बड़ा झूठ सामने आया है और ये झूठ सामने लाया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। बता दें आपको कि लगातार जेडीयू की तरफ से ये कहा जा रहा है कि केंद्र में आरसीपी सिंह को मंत्री बनाने का फैसला जेडीयू का नहीं, सीएम नीतीश कुमार का नहीं, बल्कि बीजेपी का था। और यही वजह है कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कह रहे थे कि आरसीपी सिंह का तन कहीं और मन कहीं और। ऐसे में अब बीजेपी की तरफ से जनता दल यूनाइटेड को जवाब दिया गया है और बकायदा अमित शाह ने यह भी बताया है कि आरसीपी सिंह को केंद्र में मंत्री सिर्फ और सिर्फ सीएम नीतीश कुमार की सहमति से ही बनाई गई और सीएम नीतीश कुमार झूठ बोल रहे हैं। बता दें आपको कि भाजपा मुख्यालय में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी की बिहार इकाई के प्रमुख नेताओं से राज्य की ताजा राजनीतिक स्थिति का जायजा लिया। इसके साथ ही सूत्रों के अनुसार बिहार के भाजपा नेताओं को केंद्रीय नेतृत्व ने यह साफ कर दिया है कि आरसीपी सिंह को लेकर नीतीश कुमार झूठ बोल रहे हैं। बता दें कि आरसीपी सिंह को केंद्रीय मंत्रिमंडल में नीतीश कुमार की मर्जी से शामिल किया गया था। भाजपा पर जेडीयू को तोड़ने के लिए आरसीपी सिंह का इस्तेमाल करने का आरोप भी पूरी तरह से बेबुनियाद है। नीतीश कुमार ने दूसरे राजनीतिक कारणों से भाजपा को छोड़कर राजद का दामन थामा है। बता दें कि केंद्रीय नेतृत्व ने यह भी स्पष्ट कहा है कि कारण चाहे जो भी हो, नई राजनीतिक चुनौतियों को भाजपा पूरी तरह से स्वीकार करती है। पार्टी अकेले दम पर अगले लोकसभा चुनाव में जेडीयू और जेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन को जवाब देगी। केंद्रीय नेतृत्व ने राज्य के नेताओं के सामने लोकसभा में अपने दम पर 35 से अधिक सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। 2019 में राजग के खाते में लोकसभा की 39 सीटें आई थी, जिसमें से 17 सीटें अकेले भाजपा को मिली थी। 2014 में जेडीयू साथ नहीं थी, तब भाजपा ने 22 सीटें और राजग को 31 सीटें मिली थी। बैठक में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, अश्विनी चौबे, नित्यानंद राय, पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, राधा मोहन सिंह, सुशील मोदी, प्रदेश भाजपा के उप प्रभारी हरीश द्विवेदी समेत कोर ग्रुप के अन्य नेता वहां मौजूद थे। लेकिन सबसे जरूरी बात ये कि इस मीटिंग में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये साफ कर दिया है कि बीजेपी जेडीयू को तोड़ने का काम नहीं कर रही थी और जो आरोप जेडीयू की तरफ से लगाए गए हैं वो पूरी तरह से बेबुनियाद है। बता दें कि जेडीयू की तरफ से कहा यह जा रहा है कि आरसीपी सिंह को अपने पाले में कर जेडीयू को तोड़ने का काम बीजेपी कर रही थी, जिस वजह से ये बड़ा कदम सीएम नीतीश कुमार को उठाना पड़ा और बिहार में एनडीए की सरकार जो है वो टूट गई। सीएम नीतीश कुमार जो है वो बीजेपी से अलग हो गए। लेकिन कल की मीटिंग के बाद भाजपाई नेताओं ने कुछ रणनीति तैयार की है कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस मुश्किल से लड़ने के लिए बीजेपी जो है वो पूरी तरह से तैयार है। और यही वजह है कि जहां एक तरफ सीएम नीतीश कुमार के झूठ बोलने की बात जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कही गई है, तो वहीं अमित शाह ने यह भी साफ कर दिया है कि आगे आने वाले लोकसभा चुनाव में
में बीजेपी अकेले अपने दम पर 35 से ज्यादा सीटें जीतेगी और महागठबंधन की सरकार को चुनौती भी देगी। फिलहाल के लिए इतना ही, ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।